हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की समस्याओं का निपटारा घर द्वार पर करने के लिए विधायक नरेंद्र ठाकुर ने एक दिन एक पंचायत कार्यक्रम शुरू कर लिया है। कार्यक्रम के तहत अभी तक विधायक नरेंद्र ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र की 40 पंचायतों में से 25 पंचायतों में लोगों से मुलाकात कर लोगों को आ रही विभिन्न समस्याओं का हल करने के निर्देश जहां विभाग को दिए हैं, वहीं विकास कार्यों में विधायक निधि से राशि भी मुहैया करवाने की घोषणाएं की हैं। ठाकुर ने कहा कि इस कार्यक्रम को आगामी विधानसभा चुनावों तक जारी रखा जाएगा और लोगों की समस्याओं का निपटारा घर द्वार जाकर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के पहले चरण को दिसंबर माह तक पूरा करने की उम्मीद है। हमीरपुर में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है और लोग भी सरकार के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में युवक मंडल और महिला मंडलों को 20 व 25 हजार की राशि विभिन्न कार्यों के लिए दी जा रही है, साथ ही पंचायतों में विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन महिला मंडलों के पास भवन नहीं है उन्हें भूमि चयनित करने व भूमि पंचायत को ट्रांसफर करने को कहा है ताकि उन्हें भी भवन मिल सके। ऐसा है कि हमने एक दिन एक पंचायत का जो कार्यक्रम रखा है, लगभग हमारे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 40 पंचायतें हैं और अब तक हम 25 पंचायतें जो कंप्लीट कर चुके हैं। एक दिन पूरा हम पंचायत में लगा रहे हैं और जितने वार्ड हैं, जितने गांव हैं, हम हर गांव में जाकर वहां पर लोगों की समस्या सुन रहे हैं और जो जो डिमांड उनकी आ रही है उसको हम उसी वक्त हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां फंड देने की बात है हम फंड दे रहे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अपनी तरह का अलग प्रोग्राम है जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी विधानसभा में शुरू हुआ है और बहुत ही पॉपुलर ये प्रोग्राम हो रहा है और जहाँ भी हम जा रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं और उनके बैठ कर एक जैसे परिवार सा माहौल बनता है और खुशी इस बात की है कि अभी तक कहीं से भी न सरकार के प्रति न मेरे प्रति कहीं से कोई नेगेटिव ऐसा एटीट्यूड मैंने पब्लिक का नहीं देखा, ना ही केंद्र सरकार के प्रति देखा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है और इसमें मोटे तौर पे मैं ये कह देना चाहूँगा कि जहाँ से कोई बड़ी डिमांड आ रही है हम वहीं उसी वक्त उनको भी फंड दे रहे हैं। मैंने अभी हाल ही में बसोत्ता में सराय के लिए 5 लाख रुपए दिया, 5 लाख मैंने अभी दड़ोटा में ध्रोक पंचायत में सड़क के लिए उसके मेंटेनेंस के लिए मैंने दिया। अभी एक काफ़ी अच्छी साइट है कैडरू में सांडवी पंचायत में, वहाँ एक बहुत बढ़िया जंगल बढ़ने जा रहा है, मैंने 5 लाख रुपये उसको भी दिया और हर एक पंचायत में जितने भी महिला मंडल हैं उनको जहाँ ज़्यादा जरूरत है वहाँ 25 हज़ार और जहाँ कम है उनको 20 हज़ार, हर महिला मंडल को हमने पैसे दिए। और जो युवक मंडल हैं जहाँ जिम की डिमांड आ रही है हम जिम दे रहे हैं, 50 हज़ार उनको दे रहे हैं। या युवक मंडल के भवन की बात है, महिला मंडल के भवन की बात है, ऐसा कोई कंस्टिट्यूंसी में ना महिला मंडल भवन है ना युवक मंडल है का भवन है जहाँ जगह अवेलेबल है वहाँ पैसा हमने नहीं दिया। और जहाँ अभी तक जगह नहीं है हमने उनको तुरंत आदेश दिए कि आप जगह ट्रांसफ़र करने की प्रयास करिए और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है कोई अड़चन आती है तो मैं उसमें आपका साथ दूंगा और जैसी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगी हम आपको महिला मंडल का भवन भी बना के देंगे। तो कहीं से मुझे लग नहीं रहा है और जो कुछ 15 पंचायतें बची अब वो सराउंडिंग हमीरपुर की पंचायतें हैं और बाजार है मेरा, और इसके अलावा जो दूर की जितनी भी पंचायतें हैं वो मैंने सारी की सारी कंप्लीट कर ली हैं और मुझे लगता है कि ये पहला चरण जो है मेरा दिसंबर 15 से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। फिर हम कुछ वेट करने के बाद दोबारा फिर इसी ये कार्यक्रम हमारा टिल इलेक्शन तक जो चलता रहेगा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। मैं इसके लिए लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।